नमस्कार दोस्तों, हरियम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्वेश्चन दो का हल करें। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो देखिए, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा, यदि हाँ तो इसका आंसर लिखेंगे हाँ। देखिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 तथा 6/7 का दशमलव प्रसार अशांत अशांत या अनुसानी भी लिख सकते हैं, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो देखिए यदि हाँ तो कैसे, तो कैसे चलिए इसको बताते हैं। देखिए 2/7, देखिए 2/7 को इस पर देखिए इस तरह लिख सकते हैं, 2 × 1/7। देखिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं, देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा 2/7। ठीक है, तो देखिए 2 × 1/7 का यहाँ देखिए मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, 0.142857 और यहाँ 12 लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी 1/7 को भाग देंगे तो भागफल इतना आएगा, यही रिपीट होते रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 × 2 = 14, 5 × 10 = 11, 8 × 16 = 17, 2 × 4 = 5, 4 × 8, 4 × 8, ठीक है, 2 × 1 = 2, यहाँ जगह नहीं आट रहा है तो नीचे लिख देते हैं 2.0। ठीक है, यानी इसका डबल हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं इसको 0.285714 और यहाँ 12 लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये अशांत आवृत्ति को दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखिए 3/7, इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/7, देखिए इसको गुना करेंगे 3 × 3/7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसको 3 से गुना कर देंगे, यानी 1/7 का मान यहाँ दिया हुआ है 0.142857 और यहाँ 12 लगाया हुआ। ठीक है, अब इसको 3 से गुना कर देंगे, देखिए 7 × 21, 5 × 3 = 15, 2 = 17, 8 × 3 = 24 + 1 = 25, 2 × 6 = 2 = 8, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 3 × 1 = 4, यानी 0.428571 और यहाँ 12 लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार 4/7 का मान निकालेंगे, 5/7 का मान निकालेंगे। देखिए 4/7 को इसी तरह गुणा करके लिख देना है, 5/7, 5 से इसको गुणा कर देना है। ठीक है, इस प्रकार ये हल हो जाता है। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और इससे पहले जितने भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं।